नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल उदयपुर। असरवा इस 300 किलोमीटर का जो सेक्शन है उदयपुर से हिम्मतनगर और हिम्मतनगर से असरवा का सेक्शन, यहाँ पर साल के आखिर तक 4 से 6 ट्रेनें मिलने का अनुमान है। हालांकि नेक्स्ट मंथ ही पहली ट्रेन यहाँ पर प्रपोजल की जा रही है कि नेक्स्ट मंथ ही पहली ट्रेन यहाँ पर चलवा दी जाए। हालांकि लोगों का अलग अलग यहाँ पर इस रूट को लेकर विचारधाराएँ होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है तो क्या इलेक्ट्रिफिकेशन के पहले ही क्या ट्रेनें चलाई जाएगी। फिलहाल सब कुछ जानेंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली टू बांद्रा एक बड़े नाम आ रहे साथ ही में जयपुर से बांद्रा के मध्य। हालांकि दिल्ली से बांद्रा का रूट काफ़ी बढ़िया है क्योंकि दिल्ली और बांद्रा देश की दो बड़ी राजधानियों की ट्रेन जोड़ सकती है। और जयपुर की बांद्रा की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट रूट है जो कि अजमेर के सेक्शन को कवर अप करते हुए यहाँ से निकलेगी। हालांकि इन दोनों ट्रेनों को यहाँ पर चलाया जा सकता है, दोनों ट्रेनों का रूट लगभग फाइनल माना जा रहा है। वहीं दिल्ली बांद्रा और जयपुर बांद्रा की बात करूँ तो जो जयपुर बांद्रा होगी वह मेनली ओवरनाइट ट्रेन हो सकती है क्योंकि उदयपुर से सरवा के समय जो रात का सेक्शन है ना दोस्तों, इमार रात के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेन नहीं, तो इसलिए ओवरनाइट के रूप में इसको चलाया जा सकता है। हालांकि दिवाली तक उदयपुर चेन्नई एंड उदयपुर पुणे की शुरुआत भी जो है यहाँ पर कराई जा सकती है। इन दो शहरों के मध्य में साप्ताहिक ट्रेन जो है ऑपरेट करवाई जा सकती है। हालाँकि दिल्ली बांद्रा जो ट्रेन रहेगी इसको बाई वीकली नहीं तो दोस्तों ट्राई वीकली के रूप में चलवाया जा सकता है। शायद ये दोनों ट्रेनें रैक शेयर भी कर सकती है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिल्ली से बांद्रा के मध्य में जो ट्रेन रहेगी इसको लगभग तय माना जा रहा है, जयपुर बांद्रा को तय माना जा रहा है। वही तो नेक्स्ट आ रही उदयपुर चेन्नई और उदयपुर पुणे, इन दोनों ट्रेनों का रैक शेयर किया जा सकता है। और अगर रैक शेयर नहीं होता है तो इसमें से एक नया रूट भी निकल कर आ जाता है जो कि वेस्टर्न रेलवे इनको ऑपरेट करवाया जा सकता है। अगर बात करूँ नए रूट की तो यहाँ पर नया रूट निकल कर आता है बैंगलोर का सेक्शन। बैंगलोर और चेन्नई के मध्य में अगर साप्ताहिक ट्रेनें चलाई जाती है तो इन दोनों ट्रेनों का जो रैक रहेगा उसको शेयर यहाँ पर कवर किया जा सकता है। हालांकि उदयपुर चेन्नई और पुणे के लिए अलग से ही वीकली ट्रेन जो है यहाँ पर ICF रैक में चलाए जाने की बात हो रही है और चेन्नई का जो रैक रहेगा वह बैंगलोर के लिए यूज करवाया जा सकता है। उदयपुर से बेंगलोर का जो सेक्शन रहेगा वह काफ़ी बढ़िया रहेगा। हालांकि उदयपुर से बेंगलोर को चलाए जाने के लिए उदयपुर और अजमेर इन दोनों ही स्टेशनों से लेकर इनका प्रपोजल जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है कि इन दोनों स्टेशनों में से कौन से स्टेशन को यह गाड़ी जो है दी जा सकती है क्योंकि दोनों रूट पर यह चीज़ें जो है पेंडिंग में पड़ी हुई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ और भी ट्रेनें निकल कर आती जैसे कि जो प्रपोजल पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसमें से ओखा नाथद्वारा का यहाँ पर डाइवर्जन करवाना चाहिए जो कि दिसंबर महीने तक करवाया जा सकता है। बता दूं कि ओखा नाथद्वारा का हाल ही में इलेक्ट्रिफिकेशन और एंड टू एंड जर्नी में इलेक्ट्रिक लोको दिए जाने की घोषणा करवाई गई थी, बट अभी तक जो सेक्शन है दोस्तों NWR नाथद्वारा वाला वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे में यह प्रपोजल भी कैंसिल कर दिया गया और ऐसे में इसका जो रूट रहेगा मेनली इसको चेंज कराए जाने की बात हो रही है। अभी जो ट्रेन रहती है महेशना पालनपुर आबू रोड होते हुए जो है कवर करते हुए नाथद्वारा पे एंट्री करती है और हालांकि अगर इसको रूट को चेंज किया जाता है तो ऐसे में इस ट्रेन का अहमदाबाद के बाद में नेक्स्ट जो स्टॉप रहेगा वह यहां पर असरवा और असरवा से कवर अप करते हुए इसको हिम्मतनगर डूंगरपुर वाले रूट पर चलवाया जा सकता है क्योंकि रूट भी छोटा रहेगा और ऐसे में इस नए रूट को काफ़ी फायदा भी मिल सकता है। वहाँ जो दूसरी ट्रेन निकल कर आती है वह होती है उदयपुर मैसूर जिसको कोरोना काल के बाद हाल ही में स्टार्ट करवाया गया है, पूरी तरह से हम सफ़र स्पेशल ट्रेन है तो इसका भी डाइवर्जन कराए जाने की बात हो रही है, इसको आगे तक बढ़वाया जा सकता है। हो सकता है इसको अहमदाबाद या असरवा से संचालित करवाया जा सके क्योंकि उदयपुर मैसूर काफ़ी लंबे समय के बाद इसको स्टार्ट करवाया गया था और इसको जो रैक है काफ़ी बढ़िया है क्योंकि हम सफ़र में रैक इसको जो है अलाउ करवाया गया है। वहीं बात करूँ तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिफिकेशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक रूट को यहाँ पर स्टार्ट नहीं किया जाएगा, बट अगर सूत्रों की माने तो यहाँ पर जो दक्षिण भारत का रूट है जो कि सीधा जोड़ा जा सकता है चंदेरिया से हिम्मतनगर और जो आगे का सेक्शन है इनको कवरअप जो है करवाया जा सकता है। बता दूँ कि दिल्ली बांद्रा हो गई और साथ ही साथ में जयपुर बांद्रा, इन दोनों ट्रेनों को हो सकता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के पहले ही डीजल इंजन लगा कर इन लोगों को यूज करवाया जा सके और अहमदाबाद में लोको लिवर्सल करके इनको जो है आगे के रूट पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वह अगर बात करो तो दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको जोड़ा जाता है तो काफ़ी फायदा मिलने के अनुमान है। वह चंदेरिया हिम्मतनगर के सेक्शन की बात करो तो सेक्शन पर अभी मौजूदा समय में सर्वे वर्क को कराया जा रहा है और सर्वे वर्क हो रहा है यहाँ पर एक्चुअली डबलिंग के लिए क्योंकि डबल लाइन इस रूट का करना है और डबल लाइन विथ इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ में, तो अगर इस रूट का डबलिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो जाता है तो अनुमान है कि भारतीय रेलवे इस रूट को काफ़ी ज़बरदस्त जो है इसकी उछाल देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि आने वाले समय में फिर और भी ट्रेनें इस रूट के लिए जो है प्रपोज करवाई जा सकती है। फिलहाल आप लोगों की क्या सजेशन है आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नई रूट के साथ में और सर्वे के वर्क के साथ में, मिलते हैं लगातार नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।